यहाँ ठाकुर जी से हम रहें खूब रास करो, ठाकुर जी ने दिखवाइए ने खूब देखे, वो यहाँ के आदमी ने देखे जी जी, जी। खुद भगत ने देखे भगत जी। अच्छा, बिहारी जी का दर्शन यहाँ पे किए हैं लोगों ने? खूब किए हैं, गांव के लोगों ने किए हैं, दर्शन लोगों ने किए हैं। अच्छा, आप सभी को राधे राधे। ब्रिज 84 कोस के यात्रा में मैं एक ऐसे दिव्य स्थल पे आया हूँ, इस दिव्य स्थल का नाम है रास बिहारी। और ये रास बिहारी स्थान है आपके वृंदावन से मात्र 13-14 किलोमीटर की दूरी पे है। ये बरहरा गांव है, ये ब्रिज 84 कोस के में ही आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कुंड का जीर्णोद्धार हो रहा है, तो आप लोग कुंड का दर्शन किए। और यहाँ ये कुंड पहले भर चुका था और यहाँ कुंड की खुदाई हो रही है और कुंड का अभी नए तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है। और इसके पीछे हम आप दिखा सकते हैं, ये वही दिव्य स्थल पे है जहाँ पे आज भी भगवान कृष्ण यहाँ पे रास लीला करते हैं। और यहाँ पे जो भी साधु संत है उन्होंने बहुत बार सुना है, पायल की आवाज़, घुंघरू की आवाज़ यहाँ पे सुने जाते हैं और यहाँ पे संतों ने सुना है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, बिल्कुल इसके समीप देख सकते हैं यमुना मैया बह रही है। आप लोगों को दिखाई देगा यमुना मैया बिल्कुल इसके किनारे किनारे बह रही है। आप लोग देख सकते हैं, ये यमुना मैया ही बह रही है और ये बिल्कुल इसके किनारे ये दिव्य स्थान है। स्थान का नाम है रास बिहारी और बरहरा गांव में है। और यहाँ पे बहुत ही कम श्रद्धालु लोग आते हैं ब्रिज 84 कोस के यात्रा में। और ये स्थान बहुत ही गुप्त स्थान है और लोगों को पता नहीं है। आज मौका मिला है इस स्थान पे मुझे आने का, इस स्थान पे आके मैं आप लोगों का मैं दर्शन करा रहा हूँ। और मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है जो इस स्थान पे मैं आया हूँ। और मैं इस स्थान का आप लोगों को पहले मैं दर्शन करा देता हूँ, तो आप लोगों को मैं इस स्थान का पहले दर्शन कराता हूँ। तो आप सब देख सकते हैं, ये वही स्थान है जहाँ पे नित्य प्रतिदिन भगवान कृष्ण आज भी यहाँ पे रासलीला करते हैं। ये वही दिव्य स्थान है, आप लोग देख सकते हैं यहीं पे भगवान कृष्ण नित्य प्रतिदिन रासलीला करते हैं। और ये वही स्थान है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बिल्कुल देखिए समीप में, पहले दिखा चुका हूँ, यमुना मैया बह रही है, देख लीजिए। और कितनी हरियाली है यहाँ पे, ये ऐसे गुप्त स्थान है। यहाँ पे ब्रिज 84 कोस में यात्रा में जो भी श्रद्धालु आते हैं बहुत ही नाम मात्र के आते हैं, किसी को ये जगह की जानकारी नहीं है, ये इस स्थल की जानकारी नहीं है, इसी कारण यहाँ पे श्रद्धालु बहुत ही कम आते हैं। मैं वो स्थल में दिखाने जा रहा हूँ जहाँ भगवान आज भी रासलीला करते हैं। तो हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वही स्थान है, अभी इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। यहाँ के जो भी संत महाराज भी रहते हैं उनके माध्यम से हो रहा है, जो भी भक्तगण आते हैं उनके माध्यम से। ये देखिए यहाँ पे जीर्णोद्धार उसका, उस दिव्य स्थल का हो रहा है। यहीं पे भगवान कृष्ण आज भी नित्य प्रतिदिन लीला करते हैं, रासलीला करते हैं। और यहाँ के जो भी साधु संत हैं यहाँ पे कई बार घुंघरू और पायल की आवाज़ सुने हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण रासलीला करते हैं। आप लोग ये दर्शन कीजिए, ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे ब्रिज 84 कोस की यात्रा बहुत ही कम आती है और बहुत ही कम लोगों को पता है। और यहाँ का स्थल जो है इसका भी जीर्णोद्धार हो रहा है क्योंकि ये प्राचीन स्थल है, किसी को पता नहीं है, साधु संत है यहाँ पे रहते हैं, तो धीरे धीरे इसका निर्माण करा रहे हैं, जीर्णोद्धार करा रहे हैं। और आज भी गांव के लोग बताते हैं यहाँ पे प्रतिदिन रासलीला करते हैं गांव के लोगों को, कितने बार बिहारी जी दर्शन दिए हैं गांव वालों को। और यहीं पे वो यही स्थान है जहाँ पे भगवान कृष्ण आज भी रासलीला करते हैं। और रास बिहारी का आप लोगों का मंदिर का मैं दर्शन करा देता हूँ, रास बिहारी जी का मैं दर्शन करा देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये मंदिर है और इसके अंदर हम चलते हैं और आप लोगों को मैं दर्शन करा देता हूँ मंदिर के अंदर का। तो आप लोग देख सकते हैं ये वही मंदिर है रास बिहारी जी का, तो आप लोग दर्शन कीजिए। जय जय श्री राधे। और यहाँ पे एक मैया है जो इसी गांव से हैं, उनसे हम रास बिहारी जी का लीला, उनसे हम पता करते हैं क्या लीला है यहाँ पे। राधे राधे मैया। और भक्तों को आप लोग आप मैया बता दो यहाँ के लीला क्या है भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई। और ये गांव का नाम क्या है मैया बता दो। यहाँ गांव का नाम है बरहरा, बरहरा बरहला है। हाँ,
और यहाँ पे लीला क्या है कृष्ण भगवान की, ये बता। यहाँ ठाकुर जी से हम रहे कुरास करो, ठाकुर जी ने दिखवाइए ने खुद देखे, वो यहाँ के आदमी ने देखे जी जी, खुद भगत ने देखे भगत जी। अच्छा, बिहारी जी के दर्शन यहाँ पे किए हैं लोगों ने, किए हैं गाँव के लोगों ने किए हैं, लोगों ने किए। अच्छा, तो यहाँ पे तो बीच चौरासी को से कोई आता नहीं है, मतलब ऐसी जगह है जो कोई किसी के जानकारी में नहीं है। जका वो पता है वो तो हम तो महाराज जी यहाँ, जका वो ना पता वो ना आवे, ना आवे ना आवे, वैसे चौरासी में आ रहा है चौरासी में। तो ये चौरासी यात्रा यहाँ पे आती है? हाँ, कोई का वो पता वो आ जाए, जिसको पता होता है वो आता है, वो आता का वो ना पता वो ना आवे, ना आता है। तो मैया ये रास मंडल यही है ना जो मैंने इससे पहले मैंने दिखाया, वही रास मंडल है ना? तो नित्य प्रतिदिन यहाँ पे भगवान कृष्ण रास लीला करते हैं, यहाँ करते रास लीला। तो आप लोग सुन सकते हैं, मैया बता रही हैं यहीं की है, इसी गांव की है। तो मैया बता रही हैं भगवान कृष्ण आज भी नित्य प्रतिदिन यहाँ पर रासलीला करते हैं। रोजीना ही हो तो अभी। अच्छा, रास हो तो मैया बता रही हैं रोजीना यहाँ पर नित्य प्रतिदिन रासलीला भगवान कृष्ण करते हैं।